सर्वदा। से हम ये गणपति बप्पा को बिठा रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही श्रद्धा है। बहुत सारे ऐसे संयोग हुए हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मैं मतलब जब जब भी मैं याद करता हूँ कैसे मुझे क्या क्या हासिल हुआ, कैसे मिला, जाते जाते काम वापस आया, कैसे छटपटाती कि कुछ काम मिले। जब से सिद्धिविनायक जाना शुरू किया आ गए। साल का इंतजार रहता है कि इस बार गणपति बप्पा को लाएंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, जो पिछले साल नहीं कर पाया वो इस साल करेंगे। सो इस तरह से ये हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, आ जाते हैं और हम वो करने की कोशिश करते हैं जो नहीं कर सके। जो भी मान सम्मान, इज्जत, रिद्धि सिद्धि, पैसा मिला है वो सब गणपति बप्पा की कृपा से मिला है और इसके लिए हम साष्टांग प्रणाम हमेशा उनको करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, आप सभी से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं पूरे दिल से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको आत्मिक संतोष मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी, तो आध्यात्म में मिलेगी। आध्यात्म आपके लिए बहुत जरूरी है, एक मानव मात्र के लिए आध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है। वहीं उसको आत्मा को तृप्ति, आत्मा को शांति, आत्मा को संतोष है। बाकी दुनियावी चीज़ों में कोई संतोष नहीं। कोई आपको दुनिया आप कुछ भी मिल जाए, एक समय आ ही जाएगा, एक पॉइंट आ ही जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद आध्यात्म। गणनायका प्रथम तू देवा, गणनायका प्रथम तू देवा, सुर लय ताल से करूं सेवा, सुर लय ताल से करूं सेवा, सुर लय ताल से करूं सेवा, गणनायका प्रथम तू देवा, गणनायका। कर्ण लंबोदर गजमुख, शूर्प कर्ण लंबोदर गजमुख, प्रथम पूज तू देत सबही सुख, प्रथम पूज तू देत सबही सुख, शूर्प कर्ण लंबोदर सरगर सनि धनि, शूर्प कर्ण लंबोदर गमगर सनि धनि सर शूर्प। हम लोग बचपन से ही गणपति देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम मुंबई में पैदा हुए थे, बॉम्बे सेंट्रल में रहते थे, मराठा मंदिर सिनेमा के पीछे, जहां हम लोग पहले सार्वजनिक गणपति ज़्यादा होता था, फिर बाद में हमारे पेरेंट्स ने घर में लाना शुरू किया, तो तब से हमारी ये परंपरा चल रही है गणपति जी को घर में लाने की, एंड वी फील सो ऑस्पिशियस, सो नाइस।